पीओके को वो करना है, तो क्या मानते हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अब और रखनी चाहिए पीओके को लेने के लिए, चूंकि कई मिनिस्टर्स बोल चुके हैं, सब लोग बोल चुके हैं। देखो, आपको ये पता है कि जब से हमने आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाया है तो अब भारत के साथ पूरा कश्मीर का इंटीग्रेशन हो गया, एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लैग, तो इसमें कोई शक नहीं, अभी पूरा कश्मीर इंटीग्रेट हो गया भारत के अंदर। अब आगे आएगा बाद बारी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको पता है 1994 में हमने एक लेजिस्लेशन पास किया पार्लियामेंट में कि हमने पूरा जम्मू और कश्मीर लेना है, जिसके अंदर गिलगित बाल्टिस्तान भी है, उसके अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, उसमें एक्साइचिन भी है और सक्षम वैली भी है जो कि पाकिस्तान ने चीन को दी हुई है। तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में हमने इसके लिए सब कुछ करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि पहला राउंड स्टार्ट हो गया है। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा बनेगा और आवाज वहीं से आएगी जब वो लोग देखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कि जम्मू और कश्मीर में कितनी खुशहाली आ गई है, डेवलपमेंट हो गई है और वो बहुत पीछे रह गए हैं, तो वहीं से लोग आवाज करेंगे कि भी हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत इसको मदद करेगा और आने वाले समय में मुझे कोई शक नहीं कि पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। सर, जो अभी अमेरिका में ट्रंप की और मोदी की एक साथ पहुंच रहे हैं, जो मोदी का पहले स्टेशन रखा हुआ है वहां पे भारतीयों से बात करेंगे, वहां पे इंडो अमेरिकन लोगों से, ट्रंप भी वहां पहुंच रहे हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति वहां दे दी है, तो आपको क्या लगता है कि इस रिलेशनशिप से क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, ये दर्शाता है कि भारत और चीन अमेरिका के रिलेशन किस प्रकार से बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ते हैं और आपस में पर्सनल केमिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है वो सराहनीय है कि उन्होंने जो आज तक जो हाउडे राउडी जो ये टेक्सास के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपना इंडियंस हैं अमेरिका में वो सारे आएंगे, वो के टाइम में मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए, तो ये कहीं ना कहीं भारत की डिप्लोमेसी की जीत है और ये आइसोलेशन है पूरा पाकिस्तान को। एक प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए प्राइम मिनिस्टर के साथ एक अनऑफिशियल फंक्शन में जो टेक्सास में आ रहा है, ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं और आगे भी और अच्छे होते जाएंगे। तो पाकिस्तान पे सर क्या लगता है आपको कि क्या डिमोरलाइज होगा क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान डिमोरलाइज क्या, वो तो बुखला गया है, पाकिस्तान समझ गया है आज वो अकेला पड़ गया, उसके साथ कोई नहीं, चीन के अलावा कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। आज इकोनॉमिकली पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन है कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट के होने के कतार पे खड़ा है, जो अक्टूबर में पक्का हो जाएगा और आज की तारीख में उनके पास 9.2 बिलियन डॉलर ही फॉरेन रिजर्व है, जो कि दो महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता, वो उनका इंपोर्ट जो फॉरेन रिजर्व है अफगानिस्तान से भी कम है, तो उस कतार में खड़ा है। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही हालात में एक प्रकार से बुखला गया है, दाएं बाएं भाग रहा है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया, इकोनॉमिकली बिल्कुल क्रिपल होने वाला है, तो पाकिस्तान का तो कोई तबूत रह ही नहीं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है बहुत अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, टीचर्स पे अत्याचार हो रहे हैं, स्कूल्स में भी वो हो रहा है, तो क्या ये आपको दर्शाता है, ये अभी इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरीके की बातें आ रही हैं? देखो, ये बड़ी दुख की बात है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था और भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर 20% से ज्यादा माइनॉरिटी थी, जिसके अंदर हिंदू सिख पारसी क्रिश्चियन थे, आज घटके वो 1% रहे, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट किया। आज की तारीख में हिंदू और सिख गर्ल जो हैं उनको फोर्सेबली वो शादी कराते हैं, उनका धर्म चेंज कराते हैं, पाकिस्तान के अंदर सुन्नी के अलावा कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं, वो शिया भी नहीं है और अहमदियाज को तो वो मुसलमान ही नहीं मानते, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो हालात है वो ह्यूमन राइट जो है कमीशन को देखनी चाहिए और पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी ब्लैक लिस्ट